हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे पेंटाप्रजोल के बारे में। आप सभी ने पेंटाप्रजोल का नाम तो सुना ही होगा, पेन 40 जिसे कहते हैं। तो पेन 40 जो होता है वो ब्रांड नेम होता है, उसका जो ड्रग नेम होता है वो है पेंटाप्रजोल, जिसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं पेंटाप्रजोल के इंडिकेशन से। तो पेंटाप्रजोल का इंडिकेशन क्या है, किस इंडिकेशन यानी कि कब हम उसका यूज़ करते हैं। सो बेसिकली आप सब जानते हैं जैसे कि पेन 40 का जो यूज़ है वही सेंट्रोसेम पेंटाप्रजोल करेगा, बिकॉज पेंटाप्रजोल उसका ड्रग नेम है। तो पेंटाप्रजोल का जो पहला यूज़ है वो है एसिडिटी। वो आप सबको पता है कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, तो हम पेंटाप्रजोल का यूज़ करते हैं। और साथ साथ में पेप्टिक अल्सर यानी कि जो छाले पड़ते हैं, अल्सर जिसे कहते हैं, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि इसमें ट्रीटमेंट में काम आता है अल्सर के। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे रेबिप्राजोल हमने क्यों लिखा हुआ है। रेबिप्राजोल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दोनों का मोड ऑफ एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज द सेम, मतलब दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। और ऑलमोस्ट इस 90% इसके सारे के सारे एक्शन और सारे के सारी चीज़ें भी सेम ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं रेबिप्राजोल भी हम सिमिलरली यूज़ करते हैं एसिडिटी के लिए और पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि दोनों ही सिमिलर है, टैबलेट फॉर्म में मिलता है आपको पेंटाप्रजोल, कैप्सूल फॉर्म में भी और इंजेक्शन फॉर्म में भी। वैसे ही रेबिप्राजोल भी आपको टैबलेट फॉर्म में मिलता है, कैप्सूल फॉर्म में मिलता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में। और इसका डोज क्या है, तो आप देख रहे होंगे कि पेंटाप्रजोल का नाम, पेन 40 जो आप मार्केट से खरीदते हैं उसका नाम क्या है, पेन 40। तो क्यों 40, क्योंकि 40 mg उसके अंदर ये पेंटाप्रजोल होता है, ठीक है। तो पेंटाप्रजोल का जो डोज है वो 40 mg ओरली होता है, वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, जैसा आपको जरूरत हो उस हिसाब से। और अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो पेंटाप्रजोल इंजेक्शन भी आता है, उसका भी जो 40 mg का ही वॉयल ये एम्पूल आता है, जो आप एक ही बार में आपको यूज़ करना होता है, तो वो भी आप वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रेबिप्राजोल आता है वो 20 mg का आता है, बिकॉज जो रेबिप्राजोल का जो एक्चुअल में जो ब्रांड आपने देखा होगा रेबिसिप 20, ठीक है, तो उसका भी देखो 20 वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज वो 20 mg का ही होता है। तो 20 mg रेबिप्राजोल जो होता है वो वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे हम ले सकते हैं। और वैसा ही इंजेक्शन में भी 20 mg का आपको आता है, 20 mg वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द एसिडिटी। ओके, इसके साइड इफेक्ट क्या है, वैसे तो मोस्ट ऑफ इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, पर तो भी कभी कभी आपको डायरिया, डिजीनेस और हेडेक हो सकता है। डायरिया मतलब लूज मोशन जैसा, डिजीनेस मतलब आपको हल्का सा नींद जैसा आएगा, और या फिर आपको हेडेक वगैरह हल्का सा हो सकता है, पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, किसी किसी पेशेंट में सिर्फ ये होता है। सिमिलरली आप रेबिप्राजोल में भी देखेंगे डायरिया, डिजीनेस और हेडेक सिमिलरली है, जो इसमें भी हो सकता है, पर ये कंफर्म नहीं है कि आपको होगा। तो चलो अब देखते हैं ब्रांड नेम के बारे में। ब्रांड नेम जो मार्केट में अवेलेबल है पेंटाप्रजोल के लिए बहुत सारे हैं, तो उसमें से कुछ है पेन 40, पेंटोसेक, पेंटाकाइन 40, पेंटॉप 40 जैसे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड हैं जो मार्केट में आपको मिल सकते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। वैसे ही रेबिप्राजोल का जो है वो एक है रिकूल है, रेबिसिप है, साइरा है, रेबियम है, हैप्पी है, वेलोज है, रेबिकाइंड है, रेबिलॉक है, रेबलेट है, रेबिफास्ट है, जैसे बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल है रेबिप्राजोल के लिए भी मार्केट में। और ये जो ब्रांड है एक्चुअल में ये ब्रांड तो है H1 शेड्यूल के, यानी कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है आपको, लेकिन आप इसे OTC मेडिकल स्टोर पे जाके ओवर द काउंटर भी परचेस कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो हमें पता होनी चाहिए कि मेडिकल स्टोर पे आप वैसे भी जाके खरीद सकते हैं अगर आपको एसिडिटी है या आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को है। और उसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका एक ही चीज़ है जिसको हम कहते हैं PPI। PPI मतलब होता है प्रोटोन पम्प इनहिबिटर। तो प्रोटोन पम्प इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग एसिड इन योर स्टमक। प्रोटोन पम्प ही ऐसा है जिसकी आप जिसकी वजह से आपके स्टमक में एसिड का सिक्रेशन होता है। तो ये जो पेंटाप्रजोल होता है वो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर है। इनहिबिटर यानी कि प्रोटोन पम्प को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिड का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है और एसिड का जो वॉल्यूम है जो ये है वो कम हो जाता है। सिमिलरली आपका रेबिप्राजोल भी ऐसे ही काम करता है, ये भी इनहिबिटर है किसका, प्रोटोन पम्प का। प्रोटोन पम्प का इनहिबिशन कम करता है और एसिडिटी का प्रोडक्शन कम कर देता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट इस पेंटाप्रजोल और रेबिप्राजोल। अब किसी को एसिडिटी हो या किसी को अल्सर या पेप्टिक अल्सर ऐसा कोई डिसीज हो, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप जाकर पेंटाप्रजोल का गोली लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और एक बात याद रखना, ये खाना खाने से पहले लेना होता है, बिफोर फूड वी हैव टू टेक पेंटाप्रजोल एंड रेबिप्राजोल। थैंक यू सो मच।